भाई मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कल इंग्लिश का पेपर है, पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे हम लोग। तुझे टेंशन क्यों हो रही है? तू टेंशन मत लेना, देख मैं तुझे बताता हूँ, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को 80 में से 32 नंबर तो स्कोर करना है पास होने के लिए। 32 नंबर स्कोर कर जाएंगे तो हम लोग का तो राजा ही राजा है। तो देखो सबसे पहले हम लोग पेपर की स्क्रिप्ट पे आते हैं। देखो सबसे पहले आता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में 10 नंबर का आता ही है। और हम लोग एक काम करेंगे, सब ट्रू लिख देंगे या सब फॉल्स लिख देंगे। 5 नंबर तो ऐसे मिल ही जाएगा कि हो गया, हम लोग का हो गया, ठीक ना? इसमें 5 नंबर हो गया। हाँ यार, हाँ। फिर हमारा आता है मेक ऑफ दी सेंटेंसेस। हम लोग के बगल में एक सीनियर बच्चा बैठा रहता है, उससे कुछ जुगाड़ करके घूस उस दे के 5 नंबर तो उससे पूछ ही लेंगे, बता देना, बना देगा हम लोग लिखा। हाँ। तो उसका 10 नंबर हो गया, 5 और 5 10 नंबर हो गया, ठीक। तो 10 नंबर, फिर आता है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर तो हम लोग तो तेजी है सब कुछ करेक्ट करने में, तो टिक भी सही करेंगे, सब में एक कर देंगे, कुछ ना कुछ तो ठीक हो जाएगा। 10 में से 5 4 नंबर तो मिल जाएगा, तो चलो 14 नंबर ऐसे हो गया। तो फिर हमारा आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। हर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा जाता है कि चैप्टर का नाम क्या है, कहते हैं इसने कौन लिखा है, तो उसका 5 नंबर फोकट का मिलता है, तो वो तो लिख ही लेंगे हम लोग एक बार, हाथ कर लेंगे। तो उसका मेरा मुझे मिलता है 19 नंबर, मान लो 19 नंबर यही लिखेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे, कल हो गया। फिर ऐसे इन्फिनिटी कॉन्टेस्ट में और से जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें भी 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा, 21 नंबर ऐसे हो गया। फिर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन आंसर आता है, हर एक क्वेश्चन में 2-2 लाइन अच्छी तरह से लिख में लिख देंगे, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, नंबर देना आपका काम है, नंबर दे के आपने के लिए अपने धाम है, ये लिख देंगे, बच्चा टीचर खुश होकर 4 नंबर दे देगा। तो उसका हो गया मेरा 21 21 4 25 नंबर उसका हो गया। फिक्स रीराइट दस, हम लोग री राइट लिखते बहुत अच्छा है यार, री राइट सेंटेंस लिख देंगे, 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, 2 नंबर मिलने के तो 27 नंबर हो गया। वर्ड मीनिंग भी आता ही हम लोग का, तो वर्ड मीनिंग तो फिर हम लोग बस वाले बड़े भैया से मांग लेंगे, उनको तो वर्ड मीनिंग आता ही, तो 10 नंबर का तो मुझे ऐसे दिखा दें। तो हमारा हो गया 27.5 नंबर मान लेते हैं, 27.5 हम लोग पास हो जाएंगे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फेल हो जाएंगे सिंपल।